शुजालपुर में सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच शामिल हुए। बैठक में सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कई मुद्दे खड़े किए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में कई निर्माण कार्य कराए गए, जिनकी राशि अभी तक जनपद पंचायत के खातों में नहीं डाली गई है। इसे लेकर सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की राशि नहीं दी तो हम समस्त सरपंच संघ मिलकर अपने इस्तीफे मुख्यमंत्री को सौंप देंगे और सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। सीएम साहब से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दया की लहर प्रदेश में ही नहीं अब तो देश में बहने लगी है, लेकिन मध्य प्रदेश का आपका सरपंच इस समय जितना प्रताड़ित है उसकी तुलना भी आप नहीं कर सकते। विगत दो वर्ष से कार्य पूर्ण कर लिए गए, मेरे से पूर्व मेरे साथी ने बताया। आज मैं विशेष अनुरोध करके यहाँ आया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ सरपंच संघ, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है इस बात को लेकर कि दो वर्ष से सरपंचों ने ब्याज से रुपया उठा करके किसी कार्य को पूर्ण कर दिया है। कार्य पूर्ण है लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा उसकी राशि नहीं दी गई है। बिल के बारे में मेरे दोस्त ने अभी बताया आपको कि मध्य प्रदेश सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि विद्युत मंडल का बिल गाँव में 10 लाख से लेकर 15 लाख तक आया है। इतनी तानाशाही कभी देखने को नहीं मिली। उस पंचायत में जांच होना चाहिए थी कि क्या वास्तव में यहाँ पर विद्युत मंडल का खर्च हुआ है बिल। हम कल मंत्री जी से मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, अगर वहाँ पे हमारा हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कल और परसों किसी भी हालत में इन दोनों दिन में हम मिलने की कोशिश करेंगे। वहीं पर बैठेंगे, भोपाल में ही रुकेंगे। सरपंचों की विभिन्न समस्याएं जो विगत बहुत दिनों से लंबित थी उनको लेकर के यहाँ सरपंच संगठन की मीटिंग रखी गई, जिसमें सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश जिला उपाध्यक्ष जी मौजूद है, जिनमें प्रमुख समस्या रखी गई है कि पुराने जो हमारे मनरेगा के सुदूर सड़क योजना के बिल है उनका विगत 10 माह से भुगतान नहीं किया गया। किसी सरपंच को 15 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 12 लाख, बड़े परेशान है, ब्याज लग रहे हैं उस राशि पे। पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी, प्रतीक्षालय कई पंचायतों द्वारा विगत 2 या 3 साल से कम्प्लीट कर दिए गए, बना दिए गए हैं, जिनकी द्वितीय किस्त आज तक जारी नहीं की गई। कि हमारे को नवीन कार्य मनरेगा से किसी की भी स्वीकृति जिला से नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर आज सरपंच लोग बहुत परेशान है, उनको लेकर हमने बैठक रखी गई है।